हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त नीतू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मज मैजिक। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है वेज एग करी। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए बनाते हैं अपनी ये रेसिपी वेज एग करी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने ये पनीर लिया है। आप सोच रहे होंगे ना कि वेज एग करी कैसे बनेगी, तो हम यहाँ पर इसे बनाएंगे इस पनीर की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पर पनीर लिया है और उसको मैश कर लिया है, और अब मैंने इसमें बहुत ही चुटकी सा थोड़ा सा एक पार्ट पनीर का अलग करके उसमें मैंने ये येलो कलर ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं इसके, देखिए आप देख सकते हैं। अब मैंने इसको गोल गोल शेप में कर दिया है, मैंने इसकी कुछ बॉल्स बना ली हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने देखिए फटाफट से इनकी बॉल्स बना ली हैं। तो मेरे सारे बॉल्स बन चुकी हैं। अब मैंने इस वाले पार्ट्स के भी कुछ अलग पेड़े बना लिए हैं। जिस तरीके से हम कचौड़ी बनाते हैं आलू की, उसी तरीके से हम इसके अंदर येलो वाली बॉल इसको अंदर करेंगे और इसको एक शेप दे देंगे बिल्कुल एग जैसी। तो आप देखिए, मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ कि हम इसे एग कैसे बनाएंगे। तो मैंने देखिए दोनों हाथों की मदद से इसको अच्छे से बिल्कुल चिकना कर दिया है, ताकि ये कहीं से भी इसमें क्रैक्स ना आए। तो देखिए, मेरा एग बनके तैयार हो चुका है। मैं आपको फिर से एक और बार बना के दिखाती हूँ। तो मैंने इसको अंदर इसके फिल कर दिया है, और इसको देखिए इसी तरीके से हमें हल्के हाथ से बनाना है। और इसको आप थोड़ा सा चिकना करने के लिए कोई भी ऑयल ले सकते हैं या फिर पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने कितनी आसानी से घर पर ही पनीर के एग बना दिए, बिना मुर्गी बिना अंडे के। तो आप देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ ये कितने ज़्यादा अच्छे लगे हैं। आपको बस इसको हल्के हाथ से ही बनाना है, और एकदम देखिए लग रहा है ना, ये एकदम मुर्गी के अंडे जैसा। तो फ्रेंड देखिए, मेरे सारे जो एग हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं, और मैंने यहाँ कढ़ाई में ऑयल गरम कर दिया है, और अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। तो मैंने ये सारे अपने वेज एग जो हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं ऑयल में, और अब इनको हल्का ब्राउन होने तक सेकेंगे। गैस को धीमा ही रखना है, ज़्यादा तेज़ पर नहीं, वरना ये फिर जल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली है जो लोग एग नहीं खाते हैं हमारी तरह। तो मेरे बेटे को एग देखकर ही उसका मन करता है कि उसे एग खाना है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ एग नहीं खाते हैं, इसीलिए मैंने उसके लिए ये रेसिपी बनाई है, और ये पनीर के एग, ताकि उसको ये लगेगा कि हाँ, मैंने उसके लिए एग बना दिए। तो अब वो लोग भी निराश ना हो जो लोग एग नहीं खाते हैं, तो वो लोग भी पनीर के इस तरीके से एग बना के खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी लोगों को ये बना के खिलाए हैं, और उनसे पूछा भी है कि ये कैसे लगते हैं। तो उन लोगों ने बताया है कि ये बिल्कुल उसी की तरह लगते हैं। तो अब देखिए, हमने यहाँ पर ये जीरा डाल दिया है ऑयल में, और ये मैंने अनियन और गार्लिक का पेस्ट है वो डाल दिया है। इसको भून लेंगे अच्छे से। तो जैसे ही हमारा ये भून जाएगा, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी, और ये 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली है। तो आप तीखा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसी ही मिर्च इसके अंदर ऐड करिएगा, लेकिन ये थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने इसके अंदर डाल दी है टमाटर की प्यूरी। तो मैंने 2 बड़े टमाटर की प्यूरी इसके अंदर ऐड की है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है कसूरी मेथी। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, कुछ लोगों को उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इसी बाउल से पानी ऐड कर दिया। हम लोग जो टिपिकल हाउसवाइफ होती हैं ना, वो ऐसे ही करती हैं, कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। तो अब हमने इसे एक उबाल आने तक पकाया है। इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, इसीलिए मैंने गैस को थोड़ा कम कर दिया है। अब हम इसे धीमी गैस पर थोड़ी देर पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरी सारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब मैंने इसके अंदर ये एग डाल दिए। तो फ्रेंड्स, एग डालने के बाद भी हमें इसको 5 से 10 मिनट तक पकाना है, ताकि ये ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो एग के अंदर तक चला जाए। नमक हम इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, बन चुकी है हमारी ये मज़ेदार यमी टेस्टी और स्पाइसी एग करी। तो मैं चलिए आपको इसे कट करके दिखाती हूँ।
तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कट कर दिया है। और ये अंदर से बिल्कुल वैसी ही लग रही है जो रियल एग होते हैं उसी के जैसी। तो फ्रेंड्स मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको ये मेरी एग करी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिएगा। और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अपनी एक और नई टेस्टी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।